जतनु धूप लगे आवे तमें छाव बन जावे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज है 13 अक्टूबर 2022 और आज है करवा चौथ। तो मेरी तरफ से जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं, जो भी अनमैरिड है, जिन्होंने भी व्रत रखा है, मेरी तरफ से उन सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। जो लेडीज़ होती है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, चाहे वो जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई भी है, सबकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब आप करवा चौथ को ही मान लो। करवा चौथ जो है एक मतलब निर्जल व्रत होता है, जिसमें जो लेडीज़ है वो सिर्फ खाना नहीं खाती, बल्कि खाना भी नहीं खाती और उसी के साथ साथ वो पानी भी नहीं पी सकती है। तो जो लेडीज़ होती है वो इतना सेक्रीफाइस करती है मतलब सभी के लिए। तो मेरी तरफ़ से उन सभी लेडीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का जो आज का व्रत हो, आपकी मनोकामना हो, वो पूरी हो। और मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ और मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ। तो आज के दिन जो है लेडीज़ की अलग अलग पोस्ट चलती है सबके अपने हस्बैंड के साथ, और क्या कहते हैं, बस मेहंदिया ये सब कुछ होता है। पर ये है कि लेडीज़ के लिए भी आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ़ से सभी लेडीज़ को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि जो करवा चौथ का व्रत है वो लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए रखती है, और जो अनमैरिड होती है वो अपने जो भी उनके होने वाले हस्बैंड हैं उनके लिए रखती है। कुछ लड़कियाँ व्रत रखती है, चाँद के लिए भी रखती है। तो जो माना जाता है कि जो ये व्रत होता है ये पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं हम, कि जो हमारे पति की उम्र है वो लंबी हो जाती है। पर चलो ये तो है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम मानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, इंसान एक बार पैदा होता है तो उसकी जो उम्र है वो सिर्फ कम होती है, मेरे ख्याल से बढ़ती नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी होता है, व्रत तो फिर भी सभी रखते हैं, शादी के बाद मैं भी रखूँगी। तो आज 13 अक्टूबर है और साथ में आज मेरी मम्मा का बर्थडे भी है, और आज मैं जा रही हूँ घर। मनोज आया है और बुआ जी आए, सपना बुआ, और अभी ये बैठे और मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद हम घर जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे झाकड़ी बाय बस, और उसके बाद हम वहाँ से अपनी गाड़ी ले जाएंगे और वैसे ही हम घर जाएंगे। आज की व्लॉगिंग में कुछ खास नहीं होगा, बस यही है शाम को मम्मी का बर्थडे है, वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी मैं आपको अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मिलवाती हूँ, तो आप उनको देखना। और उनमें है, बहुत छोटे छोटे हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, और उनके अंदर मतलब इतना टैलेंट है, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ आज। चलो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, बुक में नहीं देखना है, फटाफट आंसर करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो सोलर सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। आपको उसके नाम आते हैं? उनके नाम आते हैं आपको? आते हैं, बताओ फटाफट, दोनों ने बताओ। वेरी गुड, ये क्या है? 8 प्लैनेट्स, ठीक है। अब मैम फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे, आपने फटाफट आंसर करना है, ओके? अब मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर करना है, ओके? विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है? मरकरी। ओके, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे हॉट मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट, सबसे गर्म, वेनस, गुड। विच इज द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा प्लैनेट? जुपिटर।
कौन सा है? जुपिटर। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा? मरकरी। हाँ गुड, मरकरी। नेक्स्ट है, डज मून हैज इट्स ओन लाइट? नो। नूर, डज मून हैज इट्स ओन लाइट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सन? नूर, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सन? गुड, फायर बॉल, बिग स्टार एंड सन। वेरी गुड। व्हाट सन गिव्स अस? दोनों को गुड बोला मैम, ठीक है, दोनों ने सही सही बोला ना, दोनों को गुड बोला। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सन गिव्स अस? टेल मी फास्ट, व्हाट सन गिव्स अस? सन हमें क्या क्या देता है? हीट, लाइट, फूड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प द स्वीपर? डस्टबिन। हम कैसे स्वीपर की हेल्प कर सकते हैं? डस्टबिन। हाँ, जो भी हमारे पास कूड़ा होता है उसको हम डस्टबिन में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कीप अस सेफ? हु कीप अस सेफ? पुलिस, पुलिस मैन। वेरी गुड। हु वर्क्स इन द फील्ड्स? खेतों में कौन काम करते हैं? टेल मी फास्ट फास्ट नूर। फार्मर्स। भूलना नहीं है बेटा। हु क्लीन द रोड? स्वीपर। जब हम बीमार होते हैं ना, तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। नेम एनी टू वाइल्ड एनिमल्स। एलिफेंट, टाइगर। वेरी गुड। नेम, सॉरी, व्हाट टाइगर ईट्स? What tiger eats? Noor, what tiger eats? क्या खाता है टाइगर, फटाफट बताओ। स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, दोनों ने बोला। What is a starfish's baby called? Larva. Where do wild animals live? जंगल। वेरी गुड। बोला मैम ने, दोनों को गुड बोला। वेरी गुड बोला, ठीक है। बाकी सारा ना इंग्लिश लिखवा। आपने पढ़ना है इंग्लिश लिखवा। इंग्लिश भी पढ़नी है मैम, तो थक गए पढ़ा के आज। प्लीज, हम दोनों छूट लिखेंगे, खुद लिखेंगे। अगर मैम नहीं पढ़ाएंगे फिर खुद लिखेंगे। तो मैम को मन नहीं पढ़ाने का, मैम थक गए। फिर आप लेट जाना। लेट जाना। मैं लेट रहा हूँ, आपको कौन पढ़ाएगा फिर? हम दोनों पढ़ेंगे। खुद पढ़ेंगे बेटा, शोर मत करो बाहर। मैम बंद कर दे। ठीक है, ईवीएस का हो गया ना। चलो इंग्लिश की नोटबुक निकालो बेटा, आप हिंदी के चैप्टर निकालो। सो गाइज, ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हमें एक सुंदर सा रेनबो दिखा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना सुंदर रेनबो है। तो बच्चे ट्यूशन छोड़ के सारे रेनबो देखने के लिए आ गए और इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। और इसके बाद मैं चल पड़ी हूँ अब अपने घर के लिए ट्यूशन पढ़ाने के बाद। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ।